हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रचना अब्रोल, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज मैं डिस्कस करूंगी होम प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में। होम प्रेगनेंसी टेस्ट एक बहुत ही सिंपल और कन्वीनियंट टेस्ट है, जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं। ये जैसे कि इसका नाम है, होम पे आप अपने आप खुद अपने घर के कन्वीनियंस में कर सकते हैं और ये बहुत एक्यूरेट भी होता है। तो ये होम प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, कब पॉजिटिव आ सकता है, कब आप जान सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं? होम प्रेगनेंसी टेस्ट आप जिस दिन आपका पीरियड मिस होता है, सपोजिंग आपके पीरियड की डेट 20th थी, अगले महीने अगर आप 20th को आप प्रेगनेंसी अपने पीरियड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस दिन भी अगर आप टेस्ट करेंगे और आप अगर प्रेग्नेंट हैं, तो ये होम प्रेगनेंसी टेस्ट में यूरिन से जो करते हैं उसमें पॉजिटिव आ जाएगा। ये जो होम प्रेगनेंसी टेस्ट है ये यूरिन से होता है। ये कैसे टेस्ट होता है, इसका क्या बेसिस है? जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तब एक हार्मोन होते हैं जिसे कहते हैं बीटा HCG। ये ब्लड में भी आता है और यूरिन में भी आता है। जब इसका अमाउंट इतना होता है कि ये यूरिन में आता है, जो कि आपके पीरियड्स के नेक्स्ट पीरियड्स के टाइम तक हो जाता है, तब अगर हम यूरिन टेस्ट करते हैं, जो हमारा किट होता है वो इस बीटा HCG को डिटेक्ट कर लेता है और इससे हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो ये टेस्ट कब करना चाहिए, किस टाइम पे करना चाहिए? हम ये रेकमेंड करते हैं कि सुबह का जो फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल ऑफ यूरिन है वो यूज़ करें आप टेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो सैंपल जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है और उसमें अगर पॉजिटिव है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं पॉजिटिव आने के, फॉल्स नेगेटिव के चांसेस कम होते हैं। इसमें खाली पेट रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली यही है कि सुबह का जो फर्स्ट सैंपल है वो यूज़ करना चाहिए प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए। तो ये टेस्ट कैसे करते हैं, कौन सा किट यूज़ करना चाहिए? मार्केट में बहुत सारे अच्छी कंपनीज़ के किट्स आते हैं, उसमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं उसमें। तो ये टेस्ट कैसे करना है, आप अपना यूरिन का सैंपल कलेक्ट करके उसमें एक ड्रॉपर होता है किट में, उससे आप 3 ड्रॉप्स यूरिन के डालते हैं किट में। 5 मिनट के लिए वेट करना है, उसके बाद आपने देखना है कि उसमें कितनी लाइंस आती हैं। अगर उसमें 2 लाइंस आती हैं तो इसका मतलब कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। अगर उसमें खाली 1 लाइन होती है आती है तब इसका मतलब कि प्रेगनेंसी नहीं है। और अगर 1 भी लाइन नहीं आती है, इसका मतलब कि ये किट जो है काम नहीं कर रहा, तो आपको एक और बार करना पड़ेगा। अगर इसमें 1 लाइन डार्क आती है और 1 लाइन लाइट आती है, जो डार्क लाइन है कंट्रोल वाली आती है और टेस्ट वाली अगर लाइट आती है, तो इसका मतलब या तो प्रेगनेंसी बहुत अर्ली है, तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप 2 दिन बाद फिर से रिपीट करिए, या फिर आप ब्लड टेस्ट कराएं जो ज़्यादा एक्यूरेट होता है ये जानने के लिए कि प्रेगनेंसी है या नहीं। कोई चीज़ खानी पीनी चाहिए जो अवॉइड करनी चाहिए जिससे ये टेस्ट अफेक्ट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। और ये टेस्ट काफ़ी एक्यूरेट भी है, तो अगर ये पॉजिटिव आता है, इसमें 2 लाइंस आती हैं, मतलब प्रेगनेंसी है। इसके अराउंड 2% चांसेस होते हैं फॉल्स नेगेटिव के, यानी कि अगर ये नेगेटिव दिखाता है फिर भी प्रेगनेंसी होने के बावजूद भी ये नेगेटिव दिखा सकता है, तो अगर आपको शक है कि आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है तो फिर हम ये कहते हैं कि या आप टेस्ट रिपीट करें या आप ब्लड टेस्ट करवाएं। तो ये होम प्रेगनेंसी टेस्ट जो यूरिन से होता है बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है पता करने के लिए कि प्रेगनेंसी है या नहीं। और इसके बारे में अगर आपको कोई और कुछ और जानना चाहते हैं, कोई डाउट हो, तो आप हमें मिल सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर रचना अब्रोल, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है तो शेयर जरूर करें और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।